करेंगे बच्चों के लिए खास आसन, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष आसन। श्वास अंदर भर के दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर, पहले 90 डिग्री तक पैर उठ गए, फिर 160 डिग्री तक ले जाइए, फिर कमर उठ जाएगी, कमर के पीछे हाथ लगा दीजिए, एड़ियां पैरों की अंगूठे मिले हुए, घुटने सीधे, श्वास चलते रहेंगे इसमें। श्वासों का सामान्य नियम, जब शरीर एक विशेष अवस्था में सीधा है तो श्वास की गति सामान्य है, दाएं बाएं झुकते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, नहीं तो लंबे लंबे श्वास लेते रहें, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी जैसे लंबे लंबे श्वास लें और छोड़ें, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। क्यों अच्छा है? इससे बच्चों का थायराइड पैराथायराइड ठीक होगा, इससे बच्चों की आंखें ठीक होंगी, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे 2 मिनट से लेकर इसे 5 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वांग आसन, जैसे उठाए थे ऐसे धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए, पहले थोड़ा पीछे की ओर झुकाया, फिर धीरे धीरे धीरे, ये सर्वांग आसन। क्या नाम है बोलो इसका? सर्वांग आसन। और अब पैरों को उठा करके धीरे धीरे सिर के पीछे टिका देना, तो हलासन। पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, ऊपर की ओर हाथ, ऊपर की ओर हाथों की हथेलियां, अब हाथों को ऐसे ही ऊपर की ओर हथेली, फिर नीचे की ओर ले आए हाथों को, कंधों के नीचे रख लें, और अब बीच से उठा दें जितना उठा पाए, बाएं करवट लेते हुए बैठ। आज विशेष आसनों का प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, मोटापा, मधुमेह, उदर रोग और मेरुदंड के रोगों से लेकर के अब बच्चों के लिए योग, विद्यार्थियों के लिए योग के क्रम में सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सामने, इसको दंडासन कहते हैं। क्या नाम है इसका बोलो? दंडासन। पैर सीधे और दोनों हाथ की हथेलियां, उंगलियां जमीन पर, हथेलियों को ऐसे टिकाते हैं कि उंगलियों और अंगूठों का रुख पैरों की ओर होता है, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं टिकाते, ऐसे, ये दंडासन। इसमें बैठ करके फिर आसन किए जाते हैं, सीधे बैठ के बहुत से आसन होते हैं, अभी तो कुछ आसन करवाएंगे आप। अब जैसे इसमें एक यही आसन होता है, सीधे बैठ के दोनों तरफ से शरीर को उठा दो, उठा ऐसे तो उठा ना, उठा उठा के रोके रख दो, बल बाबा जी उठ नहीं रहा, चलो दोनों हाथ उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, कोशिश करो अब आपका माथा घुटनों से लग जाए, श्वास छोड़ के आगे झुकना तो लगेगा माथा घुटनों से, पहली उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, धीरे धीरे अभ्यास से स्टिफनेस कम होगी, चलो धीरे धीरे मांसपेशियां
पश्चिमोत्तानासन, नसें खींच जाती है ना आगे पीछे की। चलो अब खड़े हो जाओ। अब खड़े हो करके ताड़ासन, ये बच्चों के लिए आसनों का विशेष दौर चल रहा है और हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, हाथों की थैलियों का रुख सिर की ओर, ठीक है, ऐसे हाथ रखें। अब सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान देते हैं, ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती, कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऊपर उठते समय हाथों की हथेलियों का रुख भी ऊपर की ओर हो जाता है इसमें। कोनिया पूरी सीधी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाती है। ये पांच आसन तो सबको पता होना चाहिए बच्चों के लिए और सब बच्चों को करवाना। अब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पॉजेज, अतिरिक्त आसन, विशेष आसन, ठीक है। जिन बच्चों को फ्लैट लेग की प्रॉब्लम, कर्व नहीं बना होता, किसी किसी ये पूरा पैर ऐसे फ्लैट होता है, वो ठीक नहीं माना जाता आरोग्य की दृष्टि से, दिक्कत भी होती है बाद में। तो जिनको ये फ्लैट लेग की प्रॉब्लम हो, इसको 25-50 बार ऐसे कर सकते हैं। अब जिन बच्चों के घुटने मिलते हों, खड़े होते घुटने मिलने नहीं चाहिए, मेरे पहले मिला करते थे इसलिए मुझे भी पता है इसका। पहले घुटने ऐसे मिले, बच्चों के बहुतों के ऐसे ऐसे घुटने मिले होते हैं, एड़ियां मिला करके देखो, पंजे मिला के देखो, थोड़े खोल के देखो पंजे, घुटने मिलते हैं आपके, बहुतों के तो अभी भी मिल रहे हैं। तो आपके बैलेंस ठीक नहीं है, ऐसे ही फासला होना चाहिए, दो एक इंच का फासला। ये मिलते हैं तो इसका मतलब आपकी लेग्स का बैलेंस ठीक नहीं है। क्या करें? गरुड़ासन, ध्रुवासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, पद्मासन, बटरफ्लाई, ये लेग्स के मसल्स को बैलेंस करने के लिए। अब देखो गरुड़ासन कैसे होता है, दाहिने पैर में बाएं पैर ऐसे फंसा दिया, चाहे इधर से फंसा लो, चाहे वो दोनों तरफ से कर किया जाता है, चाहे इधर से फंसा लो, फंस गया, फिर हाथ में हाथ, बाएं पैर में दाहिने पैर फंसाया था ना, तो बाएं हाथ में दाहिने पैर, समझ में आए? ऐसे ही दूसरी तरफ से करना, दोनों तरफ से ऐसे करना, ठीक। अगला अभ्यास, दाहिने पैर को उठाओ, पंजा नीचे की ओर, एड़ी ऊपर की ओर, बाएं पैर की जगह से लगा दो, लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पैर की मांसपेशियों को मजबूत, स्वस्थ, संतुलित करने के लिए, मन को भी एकाग्र करने के लिए, श्वास की गति सहज, श्वास भर के रोक के रखी भी सकते हैं आप, इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, है ना। इधर उधर झूमने लगते हैं ना, अब बाएं पैर को उठाओ, उसका पंजा नीचे की ओर, एड़ी ऊपर की ओर, दाहिने पैर की जंघा से लगा दिया बाएं पैर की, थोड़ी देर रुको ना, एकाग्रता नहीं बनती है तो श्वास भर के रखो, आंखें बंद करके रखो, बोले बाबा आंख बंद करते हैं तो घूमने लगता है।
तो खोल के रख लो। देखो है ये हल्का सा लेकिन बहुत अच्छा है, ध्रुवासन। थोड़ी देर रुको भैया, तभी तो धैर्य की परीक्षा होगी। तुम तो दो चार पांच सेकंड में ही पूरे हिलने लगते हो, फिर डांस करने लगते हो। तो है हल्का सा लेकिन बहुत अच्छा है ध्रुवासन। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कुछ बच्चे बड़े उद्दंड होते हैं, शांत रहते ही नहीं, जब देखो तब तूफानी। सुनो, दाहिने पैर को अब उठाओ वापस जैसे पहले उठाया था ऐसे ही। अब दोनों हाथ कमर पर, दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर, दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लो और ऐसे पैर सीधा कर दो। ये बच्चों के लिए बता रहे हैं, बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी इससे। समझ में आ गया? ठीक, बच्चों की लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अगला अभ्यास, ये बच्चों के लिए खास बता रहे हैं। बटरफ्लाई, ये बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसा। घुटने जमीन तक आने चाहिए। बटर बोलते हैं तितली को, फ्लाई बटरफ्लाई बोलते हैं तितली को, है ना। अब किसी किसी के घुटने तो जमीन तक आ जाते हैं और किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर उड़ती है। ऐसे नीचे तक आने चाहिए आपके ना घुटने, ऐसे ऐसे। जो एड़िया है ना वो यहाँ आ जाए ऐसे, है ना। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रख लो, बाएं को दाहिने पर रख लो, ये पद्मासन हो गया। बच्चे बद्ध पद्मासन, और पद्मासन में कई तरह के आसन होते हैं, सुप्त पद्मासन, फिर वज्रासन, सुप्त वज्रासन, बच्चे आसानी से कर लेते हैं। फिर मत्स्यासन, पीछे उसी तरफ से करना, दोनों तरफ से ऐसे करना। ठीक, अगला अभ्यास, दाहिने पैर को उठाओ, पंजा नीचे की ओर, एड़ी ऊपर की ओर, बाएं पैर की जगह से लगा दो, लेग्स की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पैर की मांसपेशियों को मजबूत, स्वस्थ, संतुलित करने के लिए, मन को भी एकाग्र करने के लिए। श्वास की गति सहज, श्वास भर के रोक के रख के भी सकते हैं आप, इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, है ना। इधर उधर झूमने लगते हैं ना, अब बाएं पैर को उठाओ, उसका पंजा नीचे की ओर, एड़ी ऊपर की ओर, दाहिने पैर की जंघा से लगा दिया बाएं पैर की। थोड़ी देर रुको ना, एकाग्रता नहीं बनती है तो श्वास भर के रखो, आंखें बंद करके रखो। बोलो बाबा, आंख बंद करते हैं तो घूमने लगता है, तो खोल के रख लो। देखो है ये हल्का सा लेकिन बहुत अच्छा है ध्रुवासन। थोड़ी देर रुको भैया, तभी तो धैर्य की परीक्षा होगी। Thank you.
जिन बच्चों को फ्लैट लेग की प्रॉब्लम कर्व नहीं बना होता, किसी किसी ये पूरा पैर ऐसे फ्लैट होता है, वो ठीक नहीं माना जाता आरोग्य की दृष्टि से, दिक्कत भी होती है बाद में। तो जिनको ये फ्लैट लेग की प्रॉब्लम हो, इसको 25-50 बार ऐसे कर सकते हैं। अब जिन बच्चों के घुटने मिलते हों, खड़े होते हैं घुटने मिलने मिलते हैं, मेरे पहले मिला करते थे इसलिए मुझे भी पता है इसका, पहले घुटने ऐसे मिले बच्चों के, बहुतों के ऐसे ऐसे घुटने मिले होंगे, एड़ियां मिला करके देखो, पंजे मिला के देखो, थोड़े खोल के देखो पंजे, घुटने मिलते हैं आपके, बहुतों के तो अभी भी मिल रहे हैं। तो आपके बैलेंस ठीक नहीं है, ऐसी फासला होना चाहिए, दो एक इंच का फासला। ये मिलते हैं तो इसका मतलब आपकी लेग्स का बैलेंस ठीक नहीं है, क्या करें? गरुड़ासन, ध्रुवासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, पद्मासन, बटरफ्लाई, ये लेग्स के मसल्स को बैलेंस करने के लिए। अब देखो गरुड़ासन कैसे होता है, दाहिने पैर में बाएं पैर ऐसे फंसा दिया, चाहे इधर से फंसा लो, चाहे वो दोनों तरफ से कर किया जाता है, चाहे इधर से फंसा लो, फंस गया, फिर हाथ में हाथ, बाएं पैर में दाहिना पैर फंसाया था ना, तो बाएं हाथ में दाहिना पैर, समझ में आए? ऐसे करेंगे बच्चों के लिए खास आसन, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष आसन। श्वास अंदर भर के दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, दोनों हाथों के थैले नीचे की ओर, पहले 90 डिग्री तक पैर उठ गए, फिर 160 डिग्री तक ले जाइए, फिर कमर उठ जाएगी, कमर के पीछे हाथ लगा दीजिए, एड़ियां पैरों की अंगूठे मिले हुए, घुटने सीधे, श्वास चलते रहेंगे इसमें। श्वासों का सामान्य नियम, जब शरीर एक विशेष अवस्था में सीधा है तो श्वास की गति सामान्य, दाएं बाएं झुकते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, नहीं तो लंबे लंबे श्वास लेते रहें, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी जैसे लंबे लंबे श्वास लें और छोड़ें, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। क्यों अच्छा है? इससे बच्चों का थायराइड पैराथायराइड ठीक होगा, इससे बच्चों की आंखें ठीक होंगी, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। सर्वांगासन जैसे उठाए थे ऐसे धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर, पहले थोड़ा पीछे की ओर झुकाया, फिर धीरे धीरे धीरे, ये सर्वांगासन। क्या नाम है बोलो इसका? सर्वांगासन। और अब पैरों को उठा करके धीरे धीरे सिर के पीछे टिका देना, तो हलासन। पैरों को मोड़ ले, उठ नहीं रहा, चलो दोनों हाथ उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, कोशिश करो अब आपका माथा घुटनों से लग जाए। श्वास छोड़ के आगे झुकना तो लगेगा माथा घुटनों से, पहली उंगली और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, धीरे धीरे अभ्यास से स्टिफनेस कम होगी, जबरदस्त धीरे धीरे मांसपेशी। पश्चिमोत्तान आसन, नसें खिंच जाती है ना आगे पीछे की,
चलो अब खड़े हो जाओ। अब खड़े होकर के ताड़ासन, ये बच्चों के लिए आसनों का विशेष दौर चल रहा है और हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, हाथों की हथेलियों का रुख सिर की ओर, ठीक है, ऐसे हाथ रख। अब सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान देते हैं। ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती, कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऊपर उठते समय हाथों की हथेलियों का रुख भी ऊपर की ओर हो जाता है। कोहनियां पूरी सीधी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाती है। ये पांच आसन तो सबको पता होना चाहिए बच्चों के लिए, और सब बच्चों को करवाना। अब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पॉजेज, अतिरिक्त आसन, विशेष। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, ऊपर की ओर हाथ, ऊपर की ओर हाथों की हथेलियां। अब हाथों को ऐसे ही ऊपर की ओर हथेली, फिर नीचे की ओर ले आए हाथों को, कंधों के नीचे रखो, और अब बीच से उठा दे जितना उठा पाए। बाएं करवट लेते हुए बैठ, आज विशेष आसनों का प्रशिक्षण दे रहे हैं आप। मोटापा, मधुमेह, उदर रोग और मेरुदंड के रोगों से लेकर के अब बच्चों के लिए योग, विद्यार्थियों के लिए योग के क्रम में सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सामने, इसको दंडासन कहते। क्या नाम है इसका बोलो? दंडासन। पैर सीधे और दोनों हाथ की हथेलियां, उंगलियां जमीन पर, हथेलियों को ऐसे टिकाते हैं कि उंगलियों और अंगूठों का रुख पैरों की ओर होता है। ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं टिकाते, ऐसे। ये दंडासन, इसमें बैठ करके फिर आसन किए जाते हैं। सीधे बैठ के बहुत से आसन होते हैं, अभी तो कुछ आसन करवाएंगे आप। अब जैसे इसमें एक यही आसन होता है, सीधे बैठ के दोनों तरफ से शरीर को उठा दो, उठा ऐसे तो उठा ना, उठा उठा के रोके रख दो। बल बाबा जी, ठीक है। अगला अभ्यास, ये बच्चों के लिए खास बता रहे हैं, बटरफ्लाई, ये बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसा। घुटने जमीन तक आने चाहिए। बटर बोलते हैं तितली को, फ्लाई बटरफ्लाई बोलते हैं तितली को, है ना। अब किसी किसी के घुटने तो जमीन तक आ जाते हैं और किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ती है ऐसा। ऐसे नीचे तक आने चाहिए आपके ना घुटने, ऐसे ऐसे। जो एड़िया है ना वो यहाँ आ जाए ऐसे, है ना। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रख लो, बाएं को दाहिने पर रख लो, ये पद्मासन हो गया। बच्चे बद्ध पद्मासन, और पद्मासन में कई तरह के आसन होते हैं, सुप्त पद्मासन, फिर वज्रासन, सुप्त वज्रासन, बच्चे आसानी से कर लेते हैं, फिर मत्स्यासन, सीधी तरफ से करना। दोनों तरफ से ऐसे करना, ठीक। अगला अभ्यास, दाहिने पैर को उठाओ, पंजा नीचे की ओर, एड़ी ऊपर की ओर, बाएं पैर की जंघा से लगा, लेग्स की
मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पैर की मांसपेशियों को मजबूत स्वस्थ संतुलित करने के लिए, मन को भी एकाग्र करने के लिए, श्वास की गति सहज, श्वास भर के रोक के रखी भी सकते हैं आप, इससे मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, है ना। इधर उधर झूमने लगते हैं ना, अब बाएं पैर को उठाओ, उसका पंजा नीचे की ओर, एड़ी ऊपर की ओर, दाहिने पैर की जंघा से लगा दिया बाएं पैर की, थोड़ी देर रुको ना, एकाग्रता नहीं बनती है तो श्वास भर के रखो, आंखें बंद करके रखो, बोलो बाबा आंख बंद करते हैं तो घूमने लगता है, तो खोल के रख लो। देखो है ये हल्का सा लेकिन बहुत अच्छा है, ध्रुव आसन। थोड़ी देर रुको भैया, तभी तो धैर्य की परीक्षा होगी। उठा उठा के रोके रख दो। बल बाबा जी उठ नहीं रहा। चलो दोनों हाथ उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, कोशिश करो अब आपका माथा घुटनों से लग जाए। श्वास छोड़ के आगे झुकना तो लगेगा माथा घुटनों से। पहली उंगली और अंगूठी से पैर की अंगूठे को पकड़ लिया, धीरे धीरे अभ्यास से स्टिफनेस कम होगी, जबरदस्ती धीरे धीरे मांसपेशियां, पश्चिमोत्तानासन, नसें खींच जाती है ना आगे पीछे की। चलो अब खड़े हो जाओ, अब खड़े हो करके ताड़ासन, ये बच्चों के लिए आसनों का विशेष दौर चल रहा है और हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, हाथों की हथेलियों का रुख सिर की ओर, ठीक है, ऐसे हाथ रखें। अब सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान देते, ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती, कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऊपर उठते समय हाथों के हथेलियों का रुख भी ऊपर की ओर हो जाता है इसे। कोनिया पूरी सीधी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाती है। ये पांच आसन तो सबको पता होना चाहिए बच्चों के लिए और सब बच्चों को करवाना। अब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पॉजेज, अतिरिक्त आसन, विशेष आसन, ठीक है। जिन बच्चों को फ्लैट लेग की प्रॉब्लम, कर्व नहीं बना होता, किसी किसी ये पूरा पैर ऐसे फ्लैट होता है, वो ठीक नहीं माना जाता आरोग्य की दृष्टि से, दिक्कत भी होती है बाद में। तो जिनको ये फ्लैट लेग की प्रॉब्लम हो, इसको 25-50 बार ऐसे कर सकते हैं। अब जिन बच्चों के घुटने मिलते हों, खड़े होते घुटने मिलने नहीं चाहिए, मेरे पहले मिला करते थे इसलिए मुझे भी पता है इसका, पहले घुटने ऐसे मिले बच्चों के, बहुतों के ऐसे ऐसे घुटने मिले होते हैं, एड़ियां मिला करके देखो, पंजे मिला। बच्चों के लिए आसनों का विशेष दौर चल रहा है और हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, हाथों की हथेलियों का रुख सिर की ओर, ठीक है, ऐसे हाथ रखें। अब सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान देते हैं, ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती, कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है।
ऊपर उठते समय हाथों की हथेलियों का रुख भी ऊपर की ओर हो जाता है। कोहनियां पूरी सीधी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाती है। ये पांच आसन तो सबको पता होना चाहिए बच्चों के लिए, और सब बच्चों को करवाना। अब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पॉजेज, अतिरिक्त आसन, विशेष। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, ऊपर की ओर हाथ, ऊपर की ओर हाथों की हथेलियां। अब हाथों को ऐसे ही ऊपर की ओर हथेली, फिर नीचे की ओर ले आए हाथों को, कंधों के नीचे रख, और अब बीच से उठा दे जितना उठा पाए। बाएं करवट लेते हुए बैठ, आज विशेष आसनों का प्रशिक्षण दे रहे हैं आप। मोटापा, मधुमेह, उदर रोग और मेरुदंड के रोगों से लेकर के अब बच्चों के लिए योग, विद्यार्थियों के लिए योग के क्रम में सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सामने, इसको दंडासन कहते। क्या नाम है इसका बोलो? दंडासन। पैर सीधे और दोनों हाथ की हथेलियां, उंगलियां जमीन पर, हथेलियों को ऐसे टिकाते हैं कि उंगलियों और अंगूठों का रुख पैरों की ओर होता है। ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं टिकाते, ऐसे। ये दंडासन, इसमें बैठ करके ही फिर आसन किए जाते हैं। सीधे बैठ के बहुत से आसन होते हैं, अभी तो कुछ आसन करवाएंगे आप। अब जैसे इसमें एक यही आसन होता है, सीधे बैठ के दोनों तरफ से शरीर को उठा दो, पहले 90 डिग्री तक पैर उठ गए, फिर 160 डिग्री तक ले जाइए, फिर कमर उठ जाएगी, कमर के पीछे हाथ लगा दीजिए, एड़ियां पैरों की, अंगूठे मिले हुए, घुटने सीधे, श्वास चलते रहेंगे इसमें। श्वासों का सामान्य नियम, जब शरीर एक विशेष अवस्था में सीधा है तो श्वास की गति सामान्य है। दाएं बाएं झुकते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, नहीं तो लंबे लंबे श्वास लेते रहें, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी जैसे लंबे लंबे श्वास लें और छोड़ें, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। क्यों अच्छा है? इससे बच्चों का थायराइड बड़ा, थायराइड ठीक होगा, इससे बच्चों की आँखें ठीक होंगी, आँखों की रोशनी अच्छी रहेगी, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे दो मिनट से लेकर इसे पाँच मिनट तक कर सकते हैं। सर्वांग आसन, जैसे उठाए थे ऐसे धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए, पहले थोड़ा पीछे की ओर झुकाया, फिर धीरे धीरे धीरे, ये सर्वांग आसन। क्या नाम है बोलो इसका? सर्वांग आसन। और अब पैरों को उठा करके धीरे धीरे सिर के पीछे टिका देना, तो हलासन। पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, ऊपर की ओर हाथ, ऊपर की ओर हाथों की हथेलियां। अब हाथों को ऐसे ही ऊपर की ओर हथेली, फिर नीचे की ओर ले आए हाथों को, कंधों के नीचे रख, और अब बीच से उठा दे जितना उठा पाए। बाएं करवट लेते हुए बैठ, आज
विशेष आसनों का प्रशिक्षण दे रहे हैं आप। मोटापा, मधुमेह, उदर रोग और मेरुदंड के रोगों से लेकर के अब बच्चों के लिए योग, विद्यार्थियों के लिए योग के क्रम में सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन के बाद एड़िया, पैरों की अंगूठे मिले हुए, घुटने सीधे, श्वास चलते रहेंगे इसमें। श्वासों का सामान्य नियम, जब शरीर एक विशेष अवस्था में सीधा है तो श्वास की गति सामान्य, दाएं बाएं झुकते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं तो श्वास अंदर, आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, नहीं तो लंबे लंबे श्वास लेते रहें, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है। अभी जैसे लंबे लंबे श्वास लें और छोड़ें, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। क्यों अच्छा है? इससे बच्चों का थायराइड भरा, थायराइड ठीक होगा, इससे बच्चों की आंखें ठीक होंगी, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं सर्वांगासन, जैसे उठाए थे ऐसे धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर के आए, पहले थोड़ा पीछे की ओर झुकाया, फिर धीरे धीरे धीरे, ये सर्वांगासन। क्या नाम है बोलो इसका? सर्वांगासन। और अब पैरों को उठा करके धीरे धीरे सिर के पीछे टिका देना, तो हलासन। पैरों को मोड़ ले, उठ नहीं रहा। चलो दोनों हाथ उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। कोशिश करो अब आपका माथा घुटनों से लग जाए। श्वास छोड़ के आगे झुकना तो लगेगा माथा घुटनों से। पहली उंगली और अंगूठी से पैर की अंगूठे को पकड़ लिया, धीरे धीरे अभ्यास से स्टिफनेस कम होगी, जबरदस्त धीरे धीरे मांसपेशी। पश्चिमोत्तानासन, नसें खींच जाती है ना आगे पीछे की। चलो अब खड़े हो जाओ। अब खड़े हो करके ताड़ासन, ये बच्चों के लिए आसनों का विशेष दौर चल रहा है और हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, हाथों की हथेलियों का रुख सिर की ओर, ठीक है, ऐसे हाथ रख। अब सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान देते हैं, ये पूरी बॉडी के सिर के पीछे टिका देना, तो हलासन। पैरों को मोड़ ले, उठ नहीं रहा। चलो दोनों हाथ उठाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। कोशिश करो अब आपका माथा घुटनों से लग जाए। श्वास छोड़ के आगे झुकना तो लगेगा माथा घुटनों से। पहली उंगली और अंगूठी से पैर की अंगूठे को पकड़ लिया, धीरे धीरे अभ्यास से स्टिफनेस कम होगी, जबरदस्त धीरे धीरे मांसपेशी। पश्चिमोत्तानासन, नसें खींच जाती है ना आगे पीछे की। चलो अब खड़े हो जाओ। अब खड़े हो करके ताड़ासन, ये बच्चों के लिए आसनों का विशेष दौर चल रहा है
और हमारे बड़े बच्चे भी कर रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर, दोनों पैर पास में, हाथों की हथेलियों का रुख सिर की ओर, ठीक है, ऐसे हाथ रख। अब सांस अंदर भर के पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान देते हैं। ये पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती, कंप्लीट स्ट्रेचिंग हो जाती है। ऊपर उठते समय हाथों की हथेलियों का रुख भी ऊपर की ओर हो जाता है। कोहनियां पूरी सीधी, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, एड़ियां ऊपर उठ जाती है। ये पांच आसन तो सबको पता होना चाहिए बच्चों के लिए, और सब बच्चों को करवाना। अब बच्चों के लिए एक्स्ट्रा पॉजेज, अतिरिक्त आसन, विशेष। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, ऊपर की ओर हाथ, ऊपर की ओर हाथों की हथेलियां। अब हाथों को ऐसे ही ऊपर की ओर हथेली, फिर नीचे की ओर ले आए हाथों को, कंधों के नीचे रखो, और अब बीच से उठा दे जितना उठा पाए।